डेमोक्रेसी। कडियाली की जमीन पे खड़े होके खुमान परिवार के प्रिंसेस डेमोक्रेसी की बात कर रही है। अच्छा है, लेकिन आपको इस वर्ड का मतलब मालूम है? क्या मतलब इस वर्ड डेमोक्रेसी का? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, यही मतलब होता है ना? ना तो कोई राजा और ना ही कोई रैंक, सब बराबर। और ये बातें सुनने में और अच्छी लगती है, खास करके हम मिडिल क्लास लोगों को। हमें लगता है कि हमने वोट डाला, सरकार बनाई, हम ही देश चला रहे हैं। इंडिया द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। बहुत अच्छी बात है, और आपके लिए तो और अच्छी बात होगी। आप तो खुद अमेरिका से आए हैं ना, द यूएस ऑफ फ्रीकिंग ए। आपको तो अपनी अमेरिकन डेमोक्रेसी को और भी घमंड होगा, नहीं? लेकिन मैडम एक बात जान लीजिए आप, कि आपकी अमेरिकन डेमोक्रेसी और हमारे देश के लोकतंत्र में बहुत फर्क है। और यहां इस हवेली के अंदर खड़े होके या कि छाया में खड़े होके आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, ये बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। लेकिन यहां से दो कोस दूर उस खेत के अंदर जाइए, जहां पे किसान जिसके पास बैल भी नहीं है, अपने कंधे पे हल बांधे वो उस खेत को जोत रहा है। क्यों? क्योंकि आप जिस जमींदारों के चाय के अंदर चीनी कम ना पड़े, इसलिए। वो है असली डेमोक्रेसी, वो चलाता है इस देश को। मुझ जैसा कोई वर्दी वाला अफसर नहीं, और ना ही आप जैसा कोई जमींदार जिसके पास अपने विनायक की गाड़ी से उतरने का समय नहीं है। देश बदलेंगे आप लोग। और ये सारी बातें सुनने के बाद ना आइडियलिस्ट मत बनना प्लीज, जैसे हैं वैसे रहिए, क्योंकि आप जैसे काठी दरबारों को ये मिडिल क्लास बातें सूट नहीं करती हैं। आप जाइए अपने अमेरिकन चीज बर्गर खाइए, आपको यहाँ का खाना सूट नहीं करेगा मैम। जाइए आप अमेरिका, जाइए वापस, खुश रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे आप।